रानीगंज में भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ये उत्सव श्री सीताराम जी मंदिर, हनुमान मंदिर और श्री सत्यनारायण नवनिर्मित श्री श्याम मंदिर में विशेष उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विमल बाजोरिया और सचिव प्रदीप सराया ने बताया कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण और राधा की नई मूर्तियों की स्थापना की गई है, जिससे मंदिर का आकर्षण और बढ़ गया। इस अवसर पर मथुरा वृंदावन की तर्ज पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता से आए कलाकार पंकज जोशी ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। संयोजक ललित झुंझुनवाला ने बताया कि वृंदावन की परंपरा के अनुरूप ये पूरी व्यवस्था की गई थी। पंजीरी और प्रसाद की विशेष व्यवस्था के साथ बारिश के बावजूद भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं देखी गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विजय छबछरिया, अशुल बुचासिया और प्रभात अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्री सत्यनारायण मंदिर के प्रमुख पंडित सपंत जोशी ने बताया कि विधि विधान के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर उपवास और पूजा अर्चना करने वालों भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विमल सराफ ने बताया कि इस बार श्री श्याम मंदिर में परंपरागत हर्ष और उल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई गई, जहाँ बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। बारिश के बावजूद भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई और कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस मौके पर आने गए श्री श्याम बाल मंडल के अध्यक्ष विमल सराफ, सचिव पवन केजरीवाल, विष्णु सराफ, विनोद बंसल, पप्पू मटोलिया, सावर सिंघानिया, विकास अग्रवाल, राहुल केजरीवाल, संदीप शर्मा, ब्रिजेश अग्रवाल और अन्य श्याम भक्तगण मौजूद थे। थोड़ा सा रानीगंज वासी को मैसेज दीजिए, मैंने श्री श्री सीताराम जी भवन कमेटी में किस हिसाब से मतलब सजा मतलब आज उन प्रभु का जन्म दिवस उपलक्ष्य मनाया जा रहा है। कृष्ण भगवान का जन्मदिन सीताराम मंदिर में हर एक साल आज से 25 वर्ष से ही क्या 50 वर्ष से ही यहाँ पर मंदिर में प्रोग्राम होता है। इस बार हम लोग बैलून का श्रृंगार किए हैं, सबका मंदिरों सजाए हैं। कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल को झूला में झूला कर फूलों से झूला में मैं सब नगर वासियों से अनुरोध करूँगा कि वे लोग आए और मंदिर का आनंद लें और झूला कम से कम एक बार कृष्ण भगवान को जरूर झूला से झुलाएं। कितना भक्तों का समागम हो चुका है अभी तक, कितना भीड़? हमारे हिसाब से 2-3 हज़ार भक्त आ चुके हैं, अभी भी लाइन लगी हुई है। भजन संगीत जो हो रहे कहाँ से आए हैं भजन गाय कर लो? कलकत्ता से मनोज जोशी आए हुए हैं रानीगंज के सर पे, मतलब सीताराम जी भवन जो व्यवस्था कर चुके हैं इस विषय में थोड़ा सा बताइए सर वासी को। सबसे पहले तो मैं पूरे रानीगंज वासियों को आज कृष्ण जन्मोत्सव के ऊपर कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये पर्व ये जन्माष्टमी एक तो आज बहुत बड़ा संयोग का बात है, जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उस दिन भी बादल बहुत काले घटा छाए थी और खूब बारिश हुआ था और आज भी देखिए खूब बारिश हो रहा है और अब जब हम लोग यहाँ पर जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं उस समय बारिश बंद है। तो अभी इसके बाद भक्तों का एकदम आंबार लगा हुआ है मंदिर में और आज हम लोग ये रात 12 बजे तक ये उत्सव मनाएंगे और इसका अभिषेक भगवान हर साल की तरह इस साल भी श्री श्री सीताराम जी मंदिर जो कमेटी है भव्य रूप से सजाया जाता है। तो अभी तक कितना भक्तों का समागम हुआ, कहाँ से भजन गायिका लोग आया, थोड़ा सा पूजा का प्रोसेस क्या? मोटा मोटी 2000 के आसपास भक्त लोग आ गए, आ रहे हैं जा रहे हैं, ताता लगा हुआ है। थोड़ी प्रसाद की वजह से भीड़ कुछ कम है हल्की सी, लेकिन फिर भी भक्तों में जोश की कमी नहीं है और लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, आप देख ही रहे हैं। और भक्त जो भजन गायक है हमारे कलकत्ता से आए पंकज जोशी जी, मीठे मीठे भजनों से जा रहे हैं भक्तों को, बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। इसके पहले रानीगंज के 2 कलाकारों ने भक्तों का भजन का प्रोग्राम किया था, भजन विवेक बगड़िया और श्वेता रुजुल ने, उन्होंने भी अच्छा गाया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।